everyone, how are you all? I'm Vansika and I'm back again with an interesting chapter for you all. तो आज का हमारा chapter है chapter number 2, 3-digit numbers. Start करें chapter. Okay, तो पूरे जोश में बैठेंगे and chapter हम start करेंगे. ठीक है? Chapter बहुत interesting है, लेकिन उसे boring कौन बनाओगे? मुझे पता है. But interesting बनाओ, interesting है भी. कैसे? Start करते हैं यहाँ से. As we know, we have 10 digits. जैसे कि हम जानते हैं, हमारे पास कितनी digits होती है? 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. कितनी digits हो गई? 10. These 10 digits make 2 digits number. अगर single single digit ही नहीं होती, तो एकदम से double digit कैसे आ जाती? ठीक है? अगर 10-10 के notes से ये दुनिया शुरू ना होती, तो 100 तक कैसे पहुँचती? Thousands तक कैसे पहुँचती? ठीक है, तो अगर छोटी सी तो शुरू होता है ना, अगर हम सोचे कि हमें घर बनाना है, हम डायरेक्टली एकदम महल खड़ा कर दे, नहीं हो सकता. पहले एक छोटा सा बनाओगे, फिर उसके ऊपर. अगर आपने बिल्डिंग देखी है, बिल्डिंग में अगर 3 या 4 फ्लोर्स हैं, तो पहले 1 फ्लोर बना होगा, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ऐसे ही तो बना होगा ना. ऐसा होना होगा कि डायरेक्टली 4th फ्लोर बन गया और नीचे कुछ है ही नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ना. तो इसी तरीके से जब तक सिंगल सिंगल डिजिट्स नहीं होंगी, तो डबल डिजिट्स कैसे आ सकती हैं? सिंगल डिजिट्स को ही एक एक दो दो बार जोड़ के उन्हें डबल डबल बना दिया गया, समझ रहे हो? तो इसी तरीके से टू डिजिट्स नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10. टू डिजिट्स नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1010 और एंड होते हैं 9999 से. टू डिजिट्स हो गई ना, 1010 और 99 भी टू हो गई. जब 99 के बाद 100 आ जाएगा ना, तो वो डिजिट्स हो जाएंगी 3 digit. कितनी हो जाएंगी? 3 digit numbers. ठीक है, तो अब हमें सीखना क्या है? द नंबर इन अ 2-digit नंबर, द नंबर टू द लेफ्ट ऑक्यूपाइज द 10th प्लेस एंड द नंबर टू द राइट ऑक्यूपाइज द 1th प्लेस. ये तो हमें पता था कि अगर हम लिख रहे हैं 56, तो जो राइट वाला नंबर है वो तो 1 होता है, और जो लेफ्ट वाला होता है वो 10 होता है. इसमें कौन सी नवी बात थी? ये तो हमें पता था. तो हम कह सकते हैं लाइक 56 कैसे बना हो सकता है? 50 + 6, तो क्या बन गया? 56, क्योंकि वो 10th प्लेस पे 5 है. 10th प्लेस पे 5 है तो आगे कुछ नहीं है, तो 50 और 6 यही रहेगा, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो आ जाएगा 56. ठीक है, तो लेट्स नाउ डिस्कस द 3-digit नंबर. 2 digits तो पता है, तो अब 3 digits डिस्कस करें. यस, ये जो एक ब्लॉक है ना, इसका मतलब है 1. एक ब्लॉक का मतलब है कि ये एक ब्लॉक है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसका मतलब है कि ये 10 ब्लॉक्स हैं. ये एक ब्लॉक है, और ऐसे से यहाँ पे कितने हैं? 10 ब्लॉक्स. तो इनके यहाँ पे कितना हुआ? 10 ब्लॉक्स. अब ये कितने ब्लॉक्स हो सकते हैं? ये होंगे 100 ब्लॉक्स. कैसे? 10, 10, 10, 10, कितनी ये बार है? यहाँ पे ये भी 10, 10, कितनी बार है? 10 बार. तो 10 को 10 बार से मल्टीप्लाई करो तो 100 आएगा. ठीक है, चाहे आप 1-1 करके, बहुत टाइम है तो ऐसे 1-1 करके काउंट कर लो, वरना तो मैम की बात मान लो. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. ठीक है, अब देखो, कंसिडर 538 इज अ 3-digit नंबर. 538 और 538 जो है वह 3 digit नंबर है. 3 digit ही तो है, 1, 2, 3. अब क्या है? 5 ऑक्यूपाइज द 100 प्लेस. 5 ने कौन सी जगह ले ली? 100 की, क्योंकि 1s, 10s और 1s 10s के बाद ही आता भी क्या है? 100s. ठीक है, एंड 100 प्लेस, 5 ऑक्यूपाइज द 100 प्लेस, 3 ने ले ली 10s की प्लेस, और 8 ने ले ली 1s की प्लेस. सो वी कैन ऑल्सो शो दैट, तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि 500 प्लस 30 प्लस 8, तो वो बन जाएगा 538. ठीक है, 100s, 10s और 1s की फुल फॉर्म लिख दी. अब 5 ने ली 100 की जगह, तो आगे दो जगह 0 लगा दिया. 3 ने ली 10s की जगह, आगे 1 digit बच गई. 8 ने ली 1s की प्लेस, आगे कोई है ही नहीं प्लेस, तो कोई 0 ही नहीं आ सकता. तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट 500
प्लस 30 प्लस 8 तो क्या बन जाएगा 538। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पे यही सब गिवन है, जैसे कि 100 है। अब ये एक ब्लॉक रिप्रेजेंट करता है 1, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। 100 है तो हम 100 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 100 प्लस 1। एक अलग से भी बॉक्स पड़ा हुआ है तो हम इसको कह सकते हैं 101। इसको लिखेंगे कैसे, 101 और ऊपर लिखेंगे HTO। सेम आज ये सब कुछ है, यहाँ पे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। अब ये कितने, 100 ब्लॉक्स प्लस यहाँ पे कितने बने 2, तो 100 प्लस 2 कितना हो गया 102। और इनको हम HTO के नीचे लिख सकते हैं, और जब नंबर नेम लिखेंगे तो कैसे बनेगा 102। तो उसको लिखेंगे भी कैसे 102। क्लियर, ऐसे ये सब आपका पेज नंबर 22 पर है। इसको आपको 23 पे भी रीड करना है, देन 24, ठीक है, 24 तक आपको वो देखना है। आफ्टर दैट पेज 25 पे क्या है, सम नंबर्स एंड देन नंबर नेम्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं और उनके आगे उनके नंबर नेम दिए हुए हैं, जैसे कि 100, तो 100 कैसे लिखते हैं 100, इनकी स्पेलिंग्स गिवन है 200। 100 कैसे बना, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स है, तो 200, 300, 400 टिल 900 आपको स्पेलिंग्स गिवन है, ठीक है। अब आपको नंबर नेम्स लिखने हैं, नंबर नेम्स कैसे लिख सकते हैं, इजी बनाने के लिए यहाँ क्या लिखा है 273, तो लिखेंगे 273 वंस टेंस एंड हंड्रेड्स, ये लिखा। अब हमारे लिए ये बहुत आसान बन जाता है नंबर नेम लिखना, 2 किसकी प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, तो क्या लिखेंगे 200, 7 किसकी प्लेस पे है 200, 7 है टेंस की प्लेस पे तो 70, और 3 जो है वो है वंस प्लेस पे तो क्या आएगा 3। तो हम इसको किस तरीके से भी लिख सकते हैं 273। अगर हम जो भी डिजिट्स हो उनके ऊपर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड डाल लेते हैं ना, तो हमारी कभी भी नंबर नेम में गलती नहीं होती है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 273। क्लियर, सेम एज अब आपको ये 4 के 4 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं। देन योर सेकेंड क्वेश्चन इज, पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको न्यूमेरल दे रखा था, आपको इस तरीके से इसका नंबर नेम लिखना था। अब सेकेंड में क्या है, आपको नंबर नेम दिया हुआ है, उन्होंने कहा है अब नंबर्स में लिखो, तो क्या लिखा है पहला 605, 6 जो है 100 की जगह पे, तो ऐसे ही लिखेंगे पहले वंस टेंस हंड्रेड लिख दिया। अब उन्होंने क्या लिखा है 605, 6 जो है वो 100 की प्लेस पे, और लास्ट में जाके आता है 5, तो बीच की जो प्लेस है होती है उसको खाली नहीं छोड़ते, तो उसमें 0 फिल कर देते, तो क्या बन गया वो 605। इससे क्या होता है, कहाँ पे 0 आनी है, कितनी 0 आनी है, ये कन्फ्यूजन नहीं रहती। सेम एज अब आपको पेज नंबर 25 पे ये कंप्लीट करने हैं। अरे अब क्या आ गया, क्लास 2 में अब हम काउंटिंग करेंगे, करनी पड़ेगी क्योंकि आ गया। यहाँ पे आपको नॉर्मली सिंपल काउंटिंग लिखनी है, 101, 102, 103 ऐसी काउंटिंग लिखते जाएंगे टिल 200, देन टिल 300, देन 400। पेज 27 पे आएंगे, अगेन काउंटिंग है यहाँ पे 700 तक, देन ऑन नेक्स्ट पेज टिल 1000 आपको ये काउंटिंग कंप्लीट करनी है। ये आपका होमवर्क है, कहाँ तक है बच्चा आपका होमवर्क, टिल पेज नंबर 28 यू हैव टू कंप्लीट द वर्क। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड, थैंक यू।